हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है संडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह की 10:15 हो रहे हैं। और आप देख सकते हो कि मैं नहा धोकर बिल्कुल तैयार हूँ, पूजा भी मेरी हो चुकी है एंड घर की क्लीनिंग, घर के सारे काम हो चुके हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर। क्यों जा रहे हैं वो मैं थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। पहले तो मैं जाऊँगी थ्रेडिंग करवाने के लिए। आप देख सकते हो बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है, तो पहले तो जाएंगे थ्रेडिंग करवाने के लिए। एंड उसके बाद कहाँ जा रहे हैं उसके लिए आपको इस ब्लॉग को देखना पड़ेगा। यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा था, कल से ही लॉकडाउन खुला है, तो सुबह से लेकर दोपहर के 1 बजे तक ही सारे दुकान खुले रहेंगे। उसके बाद सिर्फ मेडिकल खुले रहेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो चलिए चलते हैं, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं काफ़ी दिनों बाद बाहर जा रही हूँ। लास्ट टाइम कब गई थी मुझे खुद भी याद नहीं है। पे अभी आप देख सकते हो कि हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आए हैं और हमें लेना है टीवी। तो इससे पहले शायद आपने मेरे व्लॉग्स में टीवी नहीं देखा है, जब हम लोग तमिलनाडु में थे तो हमारे पास एक छोटा सा टीवी था जो कि टेबल के ऊपर रखा हुआ था। ईशान क्या कर रहा था, वो टेबल लेके वो मतलब पूरे घर में ऐसे टेबल को रगड़ रगड़ के चला रहा था। तो गुस्सा होकर मैंने और रिया ने क्या किया, टीवी खोल के रख दिया। और टीवी में मुझे आज भी याद है, कुछ दिन पहले मतलब 4-5 दिन पहले ही हमने रिचार्ज भी करवाया था, तो वो रिचार्ज भी गया, टीवी भी हमने खोल के रख दिया। और उसके बाद हमने जहाँ जहाँ अभी हमने शिफ्टिंग करी है हमने टीवी नहीं लगाया, और यहाँ पे आने के बाद लगाने का प्लानिंग था, बट उस घर में उतनी अच्छी जगह नहीं थी और हम लोग को घर भी चेंज करवाना था, जिस वजह से हमने टीवी नहीं लगवाया था। और यहाँ पर आते ही हमने टीवी ले लिया। हम लोग को ऐसे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है टीवी देखने में, क्योंकि आजकल फ़ोन में हर कुछ मिल जाता है जो आप टीवी में देखते हो। बट फिर भी ईशान को भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है कार्टून देखने के लिए, तो वही मैं अमित को कह रही थी कि आप ये डायलॉग नहीं मार सकते कि देखो तुम्हारे लिए मैंने इतना महंगा गिफ्ट लिया है, क्योंकि मुझे उतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है टीवी देखने में। तो ये आप ईशान के लिए ही एक्चुअली हमने लिया है कि वो मतलब थोड़ा सा उसको अभी इंटरेस्ट है कार्टून देखने के लिए, इस वजह से। जब मैं और अमित एक साथ टीवी देखते हैं तो टीवी तो ऑन रहता है बट वो म्यूट रहता है, और हम लोग अपनी ही बातों में लगे रहते हैं। तो ऐसा हमेशा ही हमारे साथ होता है, टीवी चलता रहता है बट वो म्यूट रहता है। हाय गाइस, तो अभी बज रहे हैं 1:00 और हम लोग घर आ चुके हैं। बाहर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हम लोग पूरा पक गए हैं, बॉयल हो गए हैं, पूरा चेहरा लाल हो गया है। तो आने के बाद ड्रेस वगैरह चेंज करके हाथ पैर धो के अभी हम लोग खाने वाले हैं ये जूसी जूसी मैंगो। रेडी भी हो चुके हैं, जाने के टाइम पर ही मैंने करवा लिया था, और अभी हम लोग खाने वाले हैं ये जूसी जूसी सा मैंगो, क्योंकि हम लोग पूरा पक गए हैं। और आज आने टाइम अमित तो वैसे सब्जी लेके आए थे सुबह को ही, लेकिन अभी मैं लेके आई हूँ कोलमी साग। बंगाली में कोलमी साग ही बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, तो काफी तो बंगाली में उसको बोलते हैं कोलमी साग, और हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता। और रात के लिए हम लोग लेके आए हैं चिकन। मैंने कल के वीडियो में आपके साथ शेयर किया था ना, चिकन 65 का जो मसाला हम लोग लेके आए हैं, शायद वो बनाने वाले हैं या फिर गार्लिक चिकन, जो भी होगा आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और टीवी इंस्टॉल करने के लिए अभी आने वाले हैं सर्विस सेंटर से लोग। तो यहाँ पे सर्विस सेंटर से एक लोग आए थे टीवी को फिट करने के लिए, तो उन्होंने थोड़ा टाइम लगा उनको, उन्होंने टीवी को फिट कर दिया, उसके बाद हमने लंच किए। अभी लंच हम कर चुके थे, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने ही वाले थे, उतने में ही टाटा स्काई के लोग आए जो कि टाटा स्काई जो फिट करना था वो कर रहे थे, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगा, तो रेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। और आज लंच में मैं बनाई थी दाल चावल सलाद तो रहता ही है, उसके साथ जो कोलमी साग लाई थी वो बनाए थे, और एक मिक्स सब्जी था सा बनाया था, तो बस यही था। उसके ये जो क्लिप है ये शाम की क्लिप है, ये हम लोग चाय पी रहे थे, और ये आप सामने जो देख रहे हैं ये मुरमुरे हैं, उसके साथ है मिक्सचर। तो जनरली मैं चाय के साथ ये सब नहीं खाती हूँ, अलग से ही खाती हूँ, बट आज मन किया, भूख भी लग गई थी काफ़ी ज़्यादा इस वजह से।
एंड ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। और ये नाश्ते में मैंने बनाया था पूरी और आलू की सब्जी। काफ़ी दिनों बाद आलू की सब्जी के साथ मैंने पूरी खाया तो काफ़ी अच्छा बना था ये। ओके और कल और मैं कुछ भी सूट नहीं कर पाई चाय पीने के बाद। हमने जैसे कि मैंने बताया था ना कि चिकन का एक आइटम और फ्राइड राइस बनाएंगे। जब बनाने वाली थी तब मुझे याद आया कि अंडा नहीं लाए हैं और दुकान सारा 1 बजे ही बंद हो गया था तो और कहीं मिलने का कोई चांसेस भी नहीं था। तो फिर वो नहीं बनाए, दूध लाए थे हमें, दूध और रोटी, बस यही था हमारा कल रात का खाना। खाना खाने के बाद हम लोग एक मूवी देखे, द लायन किंग। काफ़ी अच्छी मूवी है, बच्चे बड़े सब देख सकते हैं। तो वो देखने के बाद बस हम लोग सो गए, बहुत ज़्यादा टायर्ड थे हम लोग। और इस वजह से मतलब ऐसे मुझे नहीं लगा कि शूट करने के लायक कुछ भी है, इस वजह से मैं नहीं शूट कर पाई। और आज है रक्षाबंधन, तो जो जो लोग अपने भाई को राखी बांध चुके हैं बहुत अच्छी बात है, और जो लोग इस साल नहीं बांध पाए राखी तो वो नेक्स्ट ईयर का वेट कीजिए, क्योंकि इस साल क्या है ना, बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे भाई अपनी बहनों से नहीं मिल सकते, बहुत सारी बहन अपने भाई से नहीं मिल सकते, ऐसा है। तो नेक्स्ट ईयर का वेट कीजिए, होप कीजिए कि बस सब जल्दी से ठीक हो जाए। और आज मैं थोड़ी सी लो फील कर रही हूँ, पता नहीं क्यों, तो बस जल्दी से मैं शावर ले लूँगी, थोड़ा सा फ्रेश फील होगा एंड उसके बाद ही मैं कुछ और काम करूँगी घर के। तो कल जब हम लोग मार्केट गए थे ना तो वहाँ पर हम लोग एक फर्नीचर के शॉप पे गए थे, बट टाइम ज़्यादा हो गया था जिस वजह से हम मतलब कुछ खास वहाँ पे नहीं देख पाए। तो वहाँ पे मैंने एक कबर्ड जैसा देखा था, मुझे काफ़ी वो पसंद आया था, मतलब जो जैसे कंप्यूटर रखने के लिए जैसे होता है ना उसी तरह का था, तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी स्टडी था उसका। बस कलर मुझे कुछ खास ऐसा नहीं लगा, थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है ना जैसे उड जैसे होता है उस कलर का था, और मुझे वो ब्लैक कलर में चाहिए था, ब्लैक कलर में अवेलेबल नहीं था। और ऑर्डर हम लोग अगर देना वो लोग बोले कि आप ऑर्डर देके बनवा सकते हो, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस वजह से, और तो क्या करें क्या नहीं वो सोचते सोचते भाग आए वहाँ से, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी इस वजह से। बट घर में आके मतलब सोच रहे थे, एक्चुअली वो थोड़ा सा बड़ा था, मतलब उसकी जो चौड़ाई है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो हमें लगा कि यहाँ पे वो अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि उसी रूम में सब कुछ रखना है बेडरूम में, और वो मतलब मल्टीपर्पज़ली हम उसे यूज़ कर सकते थे, जैसे कि नीचे हम मंदिर भी बना सकते हैं, साइड में भी एक अलमारी जैसा था, ऊपर दो ड्रॉयर थे और उसके ऊपर टीवी रख सकते हैं, ऐसा कुछ था, तो मुझे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो बस यही सारी प्लानिंग है, कुछ चीज़ें लेने की सोच रहे हैं, बट थोड़ा सा ध्यान में रख के ही रहना पड़ता है क्योंकि रेंट के घर में है, कब घर चेंज करना पड़ जाए ये भी कुछ कह नहीं सकते हैं, इस वजह से थोड़ा सा डिस्कशन करके सोच समझ करके ही लेना चाहते हैं ये सारी चीज़ें। ओके तो बस आज का बकबक बस वहीं पर ख़त्म करती हूँ मैं, मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज ही मैं दूसरा ब्लॉग बनाऊँगी क्योंकि रेसिपी जो आपके साथ शेयर करनी है चिकन की, और तो वो ब्लॉग आपको परसों मिलेगा, ये ब्लॉग आपको आज अगर मैं हो सकता है तो एडिटिंग कर दूँ, बट थोड़ा सा मैं नहा धो लूँ पहले क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा वीक मुझे लग रहा है अंदर से इस वजह से। एंड तो बस चलिए मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।